कक्षा में जाएंगे। ओके चलो लेट्स बिगिन। सो गाइस व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन क्या है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। लाइट रहता है वो बाउंस बैक करता है किसी सरफेस से टकरा करके, है ना। तो लास्ट ईयर हमने पूरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर पढ़ा था। ओके सो लेट्स क्विकली रिकैप, लेट्स हैव अ रिकैप ऑफ इट। ये है हमारा मिरर, एनी प्लेन स्मूथ सरफेस, वेरी स्मूथ वेरी प्लेन सरफेस। ओके ये यहाँ से लाइट, राइट रे बोलते हैं आज तक हम, है ना, लेकिन वो एक्चुअली एक वेव है ना। तो रे ऑफ लाइट आया, दिस इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ना, ये पॉइंट पी बोल देता हूं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल। एंड यहां से लाइट रिफ्लेक्ट, ये तो सबको पता है, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, आवाज दिस ब्रेक। कॉल्ड एज एंगल ऑफ, अरे यार सर आवाज ब्रेक हो रही। ओके। ओके ग्रेट, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हाट आर द लॉज ऑफ, में हमने पढ़े हैं दो लॉज, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल रिफ्लेक्शन, है ना, और सेकंड लॉ हम रिफ्लेक्टेड पर आवाज ब्रेक हो ऑल रही है। लाई इन, पर आवाज ब्रेक हो रही है। सर आवाज ब्रेक हो अमन रही है। आवाज, यस अरे सर। बट हाँ सर। क्यों, मैं तो एकदम हाँ, ओके 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 गाइस रिलैक्स। ओके आई होप अभी आ रही है मेरी आवाज क्लियर। बेसिकली मैंने हल्का फुल्का रिफ्लेक्शन को रिवाइज हाँ करवाया, सर। या यस हल्का फुल्का रिफ्लेक्शन रिवाइज करवाया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट, इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे, एंड द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन है किसी सरफेस से, स्मूथ प्लेन सरफेस से टकरा करके, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बट दिस चैप्टर, ओके अंडरस्टैंड केयरफुली, इफ यू अंडरस्टैंड चैप्टर 4 देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड चैप्टर 5 क्लियरली। इफ यू अंडरस्टैंड पार्ट ए ऑफ दिस चैप्टर तो ही पार्ट बी समझेगा, और तो ही पार्ट सी होगा तो वो समझेगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं समझेगा। सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड वेल। नाउ व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन अलग, रिफ्रैक्शन अलग। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यस नंबर वन, कब बेंड होता है व्हेन देयर इज यहां पर। ओके आई होप द स्क्रीन इज विजिबल, क्रिस्टल क्लियर। बहुत अच्छे से सब लोगों को ध्यान देना है। फाइन नाउ इसको हटाता हूँ मेरी स्क्रीन से। यस सर मैं अपना वीडियो बंद करूं क्या? हाँ कर ले कर ले कर ले कर ले। हाँ देखो गाइस ध्यान से समझना सारी चीजें। ओके दिस इज एयर, ये भी एयर है, नॉर्मल, एवरीथिंग इज एयर, एयर सब कुछ अच्छा है। ये है हमारा लेजर लाइट, है ना, यहाँ से हवा है बाहर। ओके नाउ एयर में लाइट ट्रेवल कर रहा है, सो लाइट देखो कैसे ट्रेवल कर रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन में। यस टिल 12th स्टैंडर्ड अज्यूम दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन।
ओके और अभी देखो लाइट ट्रैवल कर रहा है एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन में. यस नाउ इसको मैं अपने कलर से थोड़ा सा मार्क कर देता हूं. ओके ब्लैक कलर. देखो रे ऑफ लाइट आया और ऐसे सीधा जा रहा है. फाइन. लेकिन नाउ सी यहां पर एक लाइन है, इसको मैं बोलूंगा इंटरफेस. यस दिस इज कॉल्ड एज इंटरफेस. अब यहां से नीचे मैं पानी रख देता हूं. लेट्स कीप वाटर हियर. यस मतलब लाइट ट्रेवल कर रहा है देखो एयर से वाटर के अंदर. लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर. तो जब लाइट एयर से वाटर की तरफ ट्रेवल कर रहा है तो यार ऐसे सीधा सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं जा रहा है. लाइट यहां से बेंड हो जा रहा है इन दिस डायरेक्शन. लाइट इज बेंडिंग. क्लियर क्लियर सबको दिखाई दे रहा होगा फॉर एग्जाम्पल, है ना? तो इससे ज्यादा बेंड होने का क्या एग्जाम्पल दे. यहां से लाइट सीधा आया ऐसे, और जो इंटरफेस है किसका इंटरफेस, दो अलग अलग मीडियम का. दिस इज मीडियम वन एयर एंड दिस इज मीडियम टू वाटर, है ना? यस गाइस. तो जब भी देर इज अ चेंज इन मीडियम चेंजेस इट्स पाथ एंड इट बेंड्स. दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन. द बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू चेंज इन मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन. यार अब मुझे बताओ मीडियम चेंज हुआ तो क्या हुआ, मीडियम चेंज हुआ तो बेंड क्यों हुआ भाई, सीधा सीधा भी तो जा सकता था, लेकिन फिर भी वो बेंड होता है. सो ऐसा क्या हो जाता है कि वो बेंड हो रहा है. ओके विल अंडरस्टैंड दिस आई होप. रिफ्रैक्शन क्लियर है सबको, है ना? ये लिटरली लिटरली गाइस अगर हम लेजर लेकर के ये एक्सपेरिमेंट करते हैं क्लास में तो यू कैन एक्चुअली सी दिस हैपनिंग. ये आया और इधर की तरफ ऐसे बेंड हो जाता है. यस तो एक्सपेरिमेंटली एग्जैक्टली ऐसा कुछ दिखाई देगा तुम लोगों को. एनीबडी एनी डाउट इन व्हाट इज रिफ्रैक्शन. नाउ जैसे यहां पर है दिस इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे सिंपल. यस और यहां देखो पानी के अंदर जो रे चला गया रिफ्रैक्ट होके, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे. रे जो रिफ्रैक्ट हो गया. यस और गाइज यहां पे देखो बहुत able to see that is called as reflected ray. ठीक है दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे. तो गाइज जब भी लाइट आ रहा है ना, सपोज 100% लाइट आया 100%, तो हमेशा उसमें से ऑलमोस्ट 90% लाइट रिफ्रैक्ट होगा और बचा कुचा 10% लाइट रिफ्लेक्ट होगा किसी भी सरफेस से व्हेन देयर इज अ चेंज इन मीडियम एंड लाइट कैन ट्रेवल थ्रू इट ऑफ कोर्स, है ना? सो हमेशा देयर इज अ पार्ट ऑफ लाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड एंड पार्ट ऑफ लाइट दैट इज रिफ्रैक्टेड. आधा आधा नहीं होता, 90% रिफ्रैक्ट हो जाएगा और 10% सिर्फ रिफ्लेक्ट होगा, करेक्ट? लेकिन लेकिन जैसे यहां देखोगे. ओके लेट मी क्लियर दिस अप ऑल एंड ओके. अगर हमारे इस एग्जाम्पल में देखोगे गाइज तो क्या पूरे पूरा लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है? इज 100% लाइट गेटिंग रिफ्लेक्टेड? नो. यस ऑलमोस्ट. इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ दिस मिरर. सपोज दिस इज अ एकदम एकदम सुपेरियर क्वालिटी मिरर, एकदम सुपर मिरर है, सुपेरियर क्वालिटी. ओके तो 9 बाकी का एब्जॉर्ब हो जाएगा. एनर्जी है ना यार, आफ्टर ऑल एनर्जी है, तो गायब होगा ना, करेक्ट? तो रिफ्लेक्शन काफी हो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू रिफ्रैक्शन, ठीक है, सो काफी हद तक लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है. ऑलमोस्ट 10% लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड 90% लाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड. ओके सो ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे.
ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड रे और ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे. ओके, इस एंगल को, ये तो नॉर्मल है. नॉर्मल क्या है, व्हाट इज नॉर्मल? परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस. ये जो हमारा इंटरफेस है इसको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, दैट इज नॉर्मल. द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. पूरे चैप्टर में यहां से आगे हमको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से कोई सर काम आपकी नहीं आवाज है. ब्रेक हो रही है. ओके, यहां से आगे पूरे चैप्टर में हमको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से कोई लेना देना नहीं होगा. ओके, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम कभी नहीं बनाएंगे और रिफ्लेक्टेड रे भी हम कभी नहीं बनाएंगे. बट सब लोग ये बात याद रखेंगे कि थोड़ा सा लाइट हमेशा रिफ्लेक्ट होता है. आई बात समझ? थोड़ा सा लाइट हमेशा रिफ्लेक्ट होता है बट हम वो ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि हमको उससे कोई लेना देना नहीं है फिलहाल. क्लियर है? तो अब ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर. यस, आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, और उसको भी स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है. दिस लाइन इज द नॉर्मल. ओके, तो जब लाइट एक मीडियम में जाता है देन इट बेंड्स, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन. इट बेंड्स बिकॉज ऑफ द चेंज इन मीडियम. मीडियम चेंज हुआ इसलिए बेंड हुआ, नहीं होता तो नहीं होता. राइट, इसके पीछे का क्या लॉजिक है वगैरह सब समझाऊंगा. पहले ये बताओ, क्लियर है? किसी को कोई डाउट इतने पार्ट में? आई होप स्कूल में ये चैप्टर हो गया रहेगा जमाने पहले, है ना? यस सर. परफेक्ट. पीपीएस का भी हो गया? यस. नहीं सर, हम लोग यहाँ पर चालू है. अच्छा, चालू है अभी. ओके, ग्रेट, फाइन. ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन और इससे रिलेटेड सारी चीजें हम पढ़ेंगे. ओके, नाउ व्हाट आर दीज टू? दीज टू आर कॉल्ड एज ऑप्टिकली रेयरर एंड दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल डेंसर मीडियम. डेंसिटी होता है ना बच्चों, मीडियम का डेंसिटी होता है, सॉलिड लिक्विड गैसेस का डेंसिटी होता है. ओके, तो जो गैसेस होती है, यस, इट इज कॉल्ड एज रेयरर मीडियम, रेयरर. यस, क्यों? क्योंकि इसमें गैस के मॉलिक्यूल होते हैं. वेयर एज ये जो है इसको बोलते हैं, वो काफी पास पास में है तो उनकी डेंसिटी ज्यादा है इसलिए उनको डेंसर मीडियम बोला जाता है. लेकिन क्योंकि हम लाइट के प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम उसको ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर बोलेंगे. ऑप्टिकल मतलब रिलेटेड टू लाइट. वैसे ऑप्टिकल डेंसिटी की कुछ और डेफिनेशन भी होती है, फिलहाल छोड़ दो, है ना. सो ऑप्टिकल डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि लाइट बेंड होगा या नहीं होगा और कितना होगा. यस, और कितना लाइट बेंड होगा ये ऑप्टिकल डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, है ना. सो गैस इज अ रेयरर मीडियम एज कंपेयर टू लिक्विड. इन दोनों को कंपेयर करो तो लिक्विड इज अ डेंसर मीडियम. यस, लिक्विड इज अ डेंसर मीडियम. और अगर गैस में किसी सॉलिड को ले लू, जैसे ग्लास सॉलिड को ले लू, तो वो तो इससे भी ज्यादा डेंसर है ना. इट इज मोर डेंस, उससे भी ज्यादा डेंस है. करेक्ट, तो कौन दो चीजें कंपेयर हो रही है इस पे डिपेंड करेगा. तो याद रखना, गैसेस सबसे रेयर होते हैं, रेयरर मीडियम, लिक्विड थोड़े से डेंस होते हैं और सॉलिड उससे भी ज्यादा डेंस होते हैं. एंड ऑब्वियसली ये तो बचपन से पढ़ रहे हो तुम लोग कि ये गैसेस में पार्टिकल्स दूर है तो डेंसिटी कम है, लिक्विड में मॉलिक्यूल्स पास में है तो डेंसिटी ज्यादा है, सॉलिड्स में और ज्यादा कस कस के पास में है,
है ना, तो वहां पर डेंसिटी और भी ज्यादा है, करेक्ट। तो एयर इज अ रेयरर मीडियम, लिक्विड इन दोनों के कंपैरिजन में ये रेयरर है, ये डेंसर है, क्लियर है? यस। सो ये एक काइंड ऑफ छोटा सा डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट समझ लो, ये समझ के आगे बढ़ेंगे हम लोग। सो वन इज अ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, वन इज अ ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। अब ऐसा हो क्यों रहा है, लाइट बेंड क्यों कर रहा है? गाइस जगह जगह पे स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो, ये मैं नोट्स में नहीं लिख रहा हूं तो वहां नहीं मिलेगा, ओके? तो भी मैं शॉर्ट में सब लिखूंगा बाद में, बट नॉट नाउ, ओके? अब ऐसा हो क्यों रहा है? गाइस सी, सपोज यू आर रनिंग फ्रॉम हियर, ओके, यू आर रनिंग हियर 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 हियर, है ना, यहाँ पे यू आर रनिंग विद द स्पीड ऑफ लेट्स से 10 मीटर, तो क्या तुम सकते हो क्या? अगर तुम पानी के अंदर चले जाते हो, सो योर स्पीड विल डेफिनेटली रिड्यूस। आई एम श्योर एवरीवन हैज दिस एक्सपीरियंस। स्विमिंग करते हो, स्विमिंग पूल में भाग के बताओ कितना डिफिकल्ट है ना? यस। बीचेस पे जाते हो, पानी में भाग के बताओ कितना डिफिकल्ट है ना? सो पानी में आने के बाद तुम्हारा स्पीड हो जाएगा लेट्स से 7 मीटर पर सेकेंड या उससे भी कम, वॉट एवर। यस, एज द मीडियम चेंजेस, एज द मीडियम चेंजेस, देयर इज अ, है ना, तो जो लाइट है गाइस उसका भी तो स्पीड चेंज होगा भाई, है ना? लाइट है, ये लाइट आ है, ऐसे समझो लाइट के पार्टिकल्स है, फॉर एग्जांपल, करेक्ट, ये पार्टिकल, तो ये इनका भी स्पीड चेंज हो जाता है। तो स्पीड चेंज होने से यार डायरेक्शन कैसे क्या चेंज हो गया, है ना? यहाँ पे आ गए तो हो सकता था यहाँ धीरे धीरे चले जाएंगे वो, लेकिन जाना तो सीधा चाहिए, ओके? सो पहले तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करने वाला हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो तुमको ये दोनों कॉजेस लिखना पड़ेगा। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज चेंज इन मीडियम, यस, एज द मीडियम चेंजेस द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस, और इसलिए लाइट बेंड करता है, इसलिए लाइट बेंड करता है ना? लेकिन यार स्पीड चेंज होने से बेंड क्यों हो रहा है? इसके लिए ना एक एग्जांपल समझो, इसके लिए जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ओके? कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को पकड़ो, है ना? अगर तुमको याद रह जाए ये कॉन्सेप्ट, तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं आगे बढ़ा करके क्लास 12th में आगे बढ़ूंगा, जो जो लोग रहेंगे मेरे साथ उनके लिए, ओके? सो इसी कॉन्सेप्ट को, इसी 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 स्टोरी लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे, ये ध्यान दे। स्कूल में गेम होता है एक, यार गेम खेलते हो ना? क्या गेम है कि सपोज एक बंदा है, यस, बहुत सारे लोग हैं, 10-15 लोग खेल रहे हैं, पहला बंदा है उसको जाकर के एक बंदे को पकड़ना है, तो वो जाता है और सबसे पहले, यस, कौन से बंदे को वो पकड़ेगा? बेसिकली गेम क्या है, चेन बनानी है तुमको, जाके एक बंदे को पकड़ेगा, फिर वो दोनों हाथ पकड़ेंगे और हाथ पकड़ के बाकी सबको पकड़ेगा, तो दोनों जाकर के तीसरे बंदे को पकड़ेंगे, है ना? फिर वो तीनों हाथ पकड़ के भागेंगे चेन बना करके, और चौथे बंदे को पकड़ेंगे, फिर चारों हाथ पकड़ के भागेंगे नेक्स्ट बंदे को पकड़ेंगे, है ना? सो सपोज वेदांत शेट्टी, यू आर स्टार्टिंग द गेम, तो सबसे पहले किसको पकड़ेगा? सर जो भी क्लोजेस्ट रहेगा, आई गड़बड़ कर देगा ये तो, है पर जो ना? सबसे फास्ट रहेगा वो। नहीं, इसमें भी गड़बड़ हो जाएगी। देखो, सबसे फास्ट रहेगा तो भी तुमको प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना? क्या होगा, सपोज कोई बंदा बहुत फास्ट है, वो तुमसे आगे आगे भागेगा, जस्ट विजुअलाइज, गाइस विजुअलाइज करो, वो तुमसे आगे भागेगा, तुम पीछे छूट जाओगे, है ना? तुम पीछे छूट जाओगे, तो तुम्हारा जो चेन है वो ऐसे साथ में नहीं चलेगा, ऐसे आगे पीछे चलेगा, है ना? एक बंदा आगे रह जाएगा, एक पीछे रह जाएगा, तो जो फास्टर है उसको उसको पुल करना पड़ेगा बहुत ज्यादा, है ना? तो तुम्हारा लाइन ऐसा टेढ़ा हो जाएगा। यस, पहले देखो सब लोग एक साथ जा रहे थे, यस, सपोज तुमने स्लोअर को पकड़ लिया, राइट? एक एक सीधा सिंपल सिंपल डेफिनेशन है यार, सिंपल चीज समझो, एक 7-8 लोग ज्वाइन हो गए चेन में, है ना? तुम्हारे चेन में 7-8 लोग ज्वाइन हो गए, तो होने के वाला है, देखो ये है पहला बंदा, ये तुम्हारा चेन, ये फर्स्ट,
ये सेकंड, ये थर्ड है ना, फिर ये मोटू है, फिर तो तुम्हारा चेन सर है, आवाज ब्रेक हो तुम्हारा रही है। क्या सर हो जाएगा? यस और नो, सिंपल बेसिक कॉमन सेंस है, ये तो सबने देखा भी रहेगा। हाथ पकड़ के भाग रहे हो है ना, तो जो फास्टेस्ट है वो आगे निकल जाएगा और जो स्लोअर है वो पीछे रह जाएगा, तो तुम्हारा पूरा चेन जो एक्चुअली ऐसा स्ट्रेट लाइन था, तो सब लोग एक दूसरे के साथ भाग के आगे। अभी क्या हो रहा है, इस रहा ये इस ऐसे सर टेढ़ा अभी हो भी ब्रेक गया हो रही है। है ना। दिस गाय इज द फास्टेस्ट एंड दिस द स्लोएस्ट है ना। देखो तो इन है, यस, और यहां हो गई गड़बड़। तो यहां तुम्हारा एंड है ना। अब यही चीज लाइट में कैसे हो रहा है भाई, ध्यान देंगे सब लोग अच्छे से, एवरीबडी फोकस हियर, आई होप आई एम ऑडिबल। मैं जब जब धीरे बोल रहा हूँ, स्लो पेस है ना, तब तब शायद मेरा आवाज अच्छे से आ रहा है। ओके नो प्रॉब्लम, तो धीरे बोलेंगे हम लोग थोड़ा। ओके ये है लाइट है ना, ये है हमारा लाइट, ध्यान देंगे अच्छे से, ध्यान देंगे अच्छे से। यहां पर सी दिस इज अ लाइन, ये चेन है, वे वे, ओके, ये सर ब्रेक हो रही है आवाज। सर ब्रेक हो रही है। ओके होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। ओके गाइस, ये है हमारा लाइट, रे ऑफ वीडियो ऑन की प्रॉब्लम हो ही रहा है, पता नहीं क्यों। ओके एम आई ऑडिबल एकदम अच्छे से, क्लियर? सर यस ओके सर परफेक्ट। तो देखो ये लाइट के पार्टिकल्स जैसे समझो, बहुत छोटे छोटे एक साथ भाग रहे हैं चेन बना करके, है ना, तो इसका स्पीड हो गया कम, ये दूसरा आधा एंटर हो गया, ये तीसरा बंदा तो पूरा है, तो ये इसे पीछे रहना चालू हो जाएगा, करेक्ट? फिर आगे है ना, सर और ब्रेक हो ये रही है। लोग सर के लिए अमन ब्रेक हो रहा है क्या आवाज मेरा? सर अमन ब्रेक हो रहा है सर लेकिन समझ आ रहा है सब। बीच बीच में ब्रेक हो रहा है। ओके गाइस, यहां देखो ये रे ऑफ लाइट यहां पर, देखा इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, मैं फिर भी समझा रहा हूं, ठीक है? समझे तो बहुत अच्छा, नहीं समझे तो ज्यादा लोड नहीं लेना। ओके ये पार्टिकल आया, ये नहीं फिर कम वाला है, फिर थोड़ा पड़ेंगे लोग भी पानी में आते जाएंगे ना, यहाँ पे अज्यूम सेम है, लाइट है सेम है, चला गया कम हो जाएगा। पानी में चला, जो बंदा पानी में चला गया यस, वो रे ये इस तरह से सारा रे यहाँ अच्छा हो गया, लेकिन जैसे ही स्लोप में आ गया, देखो यहाँ पे तो फिर से जाने लगते हैं, तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये
पार्टिकल्स का स्पीड पहले कम हो जा रहा है और कुछ पार्टिकल्स का स्पीड बाद में कम हो रहा है, हाँ कि नहीं? यस, जिस हाँ चालू हो गया, क्लियर है? सो ड्यू टू द चेंज इन स्पीड सब गड़बड़ हो रहा है. तो पहला रीजन क्या है? जिन हो क्या रहा है चेंज से और की वजह इंटरफेस, कोई लोग जल्दी पानी में चले गए, कोई लोग देर से पानी में गए, करेक्ट? तो जो लोग जल्दी चले गए उनका हो गया. इट इज एज सिंपल एज यू गाइज आर रनिंग. यस, सब लोग 10 लोग एक साथ जा रहे हैं, है ना? या फिर ये एग्जांपल कंसीडर कर लो, जैसे किसने किसने देखा 15th अगस्त का, कोई देखता है? किसने देखा? हाँ सर, अच्छे लोग ऐसे चल हम रहेगा यहां से आगे, यहां से देखो तो लेकिन सर कुछ नहीं समझ आ रहा है, हो रहा है सर, बहुत ब्रेक हो रहा है आवाज सर, बहुत ज्यादा ही हो रहा है. ओके गाइस, होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, मैं एग्जिट कर रहा हूँ और मैं एग्जिट कर रहा हूँ, 2 मिनट में मीटिंग फिर से ज्वाइन करो, ठीक है? 2 मिनट, ओके, डोंट टेक लॉन्ग टाइम, मैं 2 मिनट में इमीडिएटली स्टार्ट करूंगा, फाइन? या एंड एवरीबडी एल्स आल्सो, बिफोर ज्वाइनिंग द मीटिंग स्विच ऑफ योर कैमराज, ओके?